हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी की एग्ज़ाम थी, सो उसमें हमारा फार्मासिस्ट ये पोस्ट आता है बेसिकली। सो वो होने वाली थी फर्स्ट वीक ऑफ जून में। सो अभी 7 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया था, सो उस पर मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें आप जाके डिटेल चेक कर सकते थे। ये थी उसकी ओरिजिनल PDF की फाइल। सो इसमें जो 4 नंबर का पॉइंट पे उसमें बताया गया था कि जो एग्ज़ाम होने वाली है पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी की, वो होने वाली है 2nd week of July 2019। सो बेसिकली 1 month रिमेनिंग है फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। सो आप ये एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। सो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूछा था कि हाउ टू चेक आवर एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल जो साइट पे अपलोड हुए थे 2 पॉइंट, उसमें का एक था वो था अकॉर्डिंग टू द रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, और एक था जो एग्जाम की डेट पोस्टपोन हुई थी उसके रिगार्डिंग था वो 2nd नंबर का पॉइंट। सो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। आप लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया था पैरामेडिकल की टेक्नोलॉजी के लिए डिफरेंट रीजन में, सो वो फॉर्म सक्सेसफुली से हुआ, एक्सेप्टेड हुआ या नहीं, वो हम इस वीडियो में कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे। सो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपको जाना है अपने कौन से ही एक ब्राउजर में, UC ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर। सो यहाँ मैं यूज़ करूँगा क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर में जाके आपको सर्च करना होगा सरकारी एग्ज़ाम। सो ये एक रिजल्ट शो होने के बाद आपको इस साइट पर क्लिक करना है। यहाँ जाने के बाद आपको ये दिखता होगा न्यू अपडेट एंड एडमिट कार्ड। सो किसी एक को आपको क्लिक करना है। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ न्यू अपडेट पे। न्यू अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जिसका नाम है सरकारी एग्ज़ाम .com। सो आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको दिख जाएगा क्लिक फॉर एप्लीकेटर्स। सो ये जो 1st नंबर का पॉइंट है उसे आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये जाएगा सीधा RRB साइट के ऑफिशियल साइट पे। सो आपको ये दिखता होगा। सो आप लोगों ने जिस रीजन में अपना फॉर्म अप्लाई किया है एग्ज़ाम देने के लिए, सो आपको वहाँ पे ही जाके वो क्लिक करना होगा। सो मैंने अप्लाई किया था अहमदाबाद में, सो मैं जाऊँगा अहमदाबाद में। सो यहाँ अहमदाबाद को क्लिक करने के बाद आपको ऐसी प्रोफाइल दिखेगी। यहाँ दिखता होगा, यहाँ बेसिकली 3 चीज़ें प्रोवाइड की गई है चेक करने के लिए। तो फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप पे मेल पे आता होगा या टेक्स्ट मैसेज आया होगा। सो सेकंड है डेट ऑफ बर्थ, और 3rd नंबर का पॉइंट है एंटर द कैप्चा। सो ये बेसिकली 3 चीज़ें डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ या नहीं। सो चलो चेक करते हैं। सो यहाँ मैं डालूँगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि मैंने लिया था अपने मेल से। सो यहाँ डालने के बाद आपको दिखेगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो यहाँ डालनी है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ। सो मैं यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। सो ये डालने के बाद आपको यहाँ डालना है ये कैपिटा। सो यहाँ मैं डालता हूँ। और आपको करना है यहाँ लॉग इन। लॉग इन करने के बाद ये आपको दिखता होगा इस तरह का एप्लीकेशन यहाँ ओपन हो जाएगा। इसमें क्लियरली मेंशन दिखता है कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर दिस दिस एंड योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड और सब्जेक्टेड टू सिक्योरिटी। सो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, पहला है प्रिंट द एप्लीकेशन और सेकेंड है डाउनलोड द एप्लीकेशन। सो अगर आपको अपना प्रिंट एप्लीकेशन करना हो तो आप यहाँ से यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आपका ये इस तरह का फॉर्म आपको यहाँ ओपन हो जाएगा। सो इससे क्लियर मेंशन होता है कि ये फॉर्म आपका सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हुआ या नहीं। सो पीछे जाते हैं, 2nd नंबर का जो है डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ क्लिक करने के बाद ऐसा एक रिजल्ट ओपन हो जाएगा। सो आई थिंक ये रिपीट डाउनलोड वही होगा। सो देखते हैं क्या डाउनलोड होता है 2nd ऑप्शन से। सो यहाँ सेम एप्लीकेशन अपना रिपीट वही डाउनलोड हुआ है। सो दोनों ऑप्शन क्लिक करने के बाद एक ही फॉर्म आपका ओपन हो जाता है। सो इस तरह हम अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। आपको ज़रूर चेक करना चाहिए क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ या नहीं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प दोज द फार्मासिस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।